एकदंतं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरंबं प्राणमायं। हे विघ्नहर्ता, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। आप बेस्ट हो। दीदी, अगर आपको अपने गन्नू देवा को गाने सुनाने का इतना ही शौक है तो उन्हें हेडफोन्स पहना दो प्लीज। रोज रोज मेरी नींद क्यों खराब करती हो? मैं नींद थोड़ी खराब कर रही हूँ, मैं तो निखिल देशमुख सर के सपनों को बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही थी। चलो, अब आँख खुल गई है तो जल्दी से उठ जाओ, वरना तुम्हारा फोन जाएगा पानी की बाल्टी। ओके ओके, उठ गया। मेरे फोन को कुछ मत करना प्लीज, वरना मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। गुड बॉय। YouTube चैनल के लिए वीडियो बनाने के साथ साथ अपने कॉलेज पर भी ध्यान दो, तुम्हारा आखिरी साल है। और चलो जल्दी से बिस्तर समेटो और फौरन बाथरूम में घुस जाओ, वरना मॉर्निंग वॉक से वापस आते ही बाबा बाथरूम के लिए शोर मचाएंगे। बाबा? अरे बस भी करो, उस अनुराधा को दिमाग से निकाल दो। अरे ऐसे कैसे निकाल दो दिमाग से? हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सफेद साड़ी देने की? हमारी बेटी है। हाँ हाँ, हमारी बेटी है, इसीलिए उस अनुराधा को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। सामने तो आने दो उसे, और देखिए आपको भी मेरा सर देना होगा। हम अपना छोटा सा घर जीवन के हर मोड़ पे। काय, क्या हुआ? सुनो सुनो, रेडियो वाले भी सुबह सुबह भजन आरती चलाते हैं। एक हमारा परिवार है जहाँ दिन की शुरुआत फिल्मी गानों से होती है। तो क्या हुआ? अरे हर घर से सुबह सुबह गणपति बापा को मांगों की ऐसी लंबी लिस्ट मिल जाती है। कोई तो घर हो जहाँ से उन्हें मनोरंजन मिले। तो बस मेरी बेटी पल्लवी ऐसे गाने सुनाकर गणपति बाप्पा का मनोरंजन करती है। फिर बाप्पा भी शांति से आराम से भक्तों की तकलीफें सुनते हैं और उन्हें दूर भी कर देते हैं। अब अगर बेटी लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए भगवान की मदद कर रही है तो कम से कम उसकी आई अपने पति की तकलीफ तो दूर कर ही सकती है। मंजे मंजे वागाचे पंजे, अरे ये मेरा फेवरेट गाना है। हाँ तो आ जाओ। वकेला कोई देख लेगा? अरे तो देखने दो, मैं अपनी पत्नी से प्यार करना कोई गुनाह है क्या? देख लो भाई, नहीं तो मैं वो सामने वाली मिसेस रेड्डी से फ्लर्ट करना शुरू कर दूंगा। क्या? अरे रुको तो। ये साड़ी तो पल्लवी ने कल धो दी थी, फिर भी सिंदूर का दाग गया नहीं। लगता है रंग पक्का है, जाएगा नहीं। लेकिन जिसने भी ये रंग डाला है ना, बड़ी जोश के साथ डाला है। कल रात को सड़क पे वो लड़की कीर्ति थी, फिल्मनगर का डाउन रोड में देखा उसको। 3 दिन से कॉल कर रहा हूं लेकिन रेस्पॉन्स ही नहीं है। और कल रात वो वहां, उसको वहां जाने के लिए टाइम है लेकिन मेरा फोन आंसर करने के लिए टाइम नहीं है क्या? फरहाद, तू आज ही इस कीर्ति के पीछे एक आदमी को भेज दे। तन एक्कड़केल्तुंदि, एं चेस्तुंदि, एवरितो मात्लाडुतुंदि, सब इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए। क्या हुआ? अन्ना वो खून? वो खून मेरा ही है, वो कल रात को चोट लगा था ना इसलिए। अयो, कभी लगा? मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। क्यों, तुमको मेरा खून देके तकलीफ आता है क्या? तुम मेरा बाप है क्या? तुमको इस घर और किचन का काम संभालने के लिए सैलरी मिलता है ना, और टाइम को मिलता है ना, फिर नकली प्यार काई को? चलो निकलो, मैं ब्रेकफास्ट बनाओ। जी अन्ना। क्या फरहाद, बात करने की तमीज ही नहीं है? थोड़ा प्यार से जवाब देता तो क्या होता? लगता है इसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं प्यार के साथ। करेक्ट बोला, प्यार से कोई वास्ता नहीं और चाहिए भी नहीं। तुम जैसा लोग प्यार को बहुत सस्ता बना दिया है। मुझे पता है तुम लोग क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में, बट आई डोंट केयर, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। लेकिन उस पैसा के लिए तुम जैसा लोग मुझे जितना नफरत करे तो भी तुम लोग मेरे साथ ही रहता है। तो शट अप एंड गेट आउट। प्यार, माय फुट।
आ गए आप दोनों? दत्त, हर बार तू कैसे पहचान लेती है जबकि हर बार मैं दबे पाव आता हूँ? आपके कुर्ते के जेब में जो सिक्के रहते ना हमेशा, उसकी खनखनाहट से उसे पता चल जाता है ना। अरे कुछ नहीं, ऐसे तुम्हारी चूड़िया बजती रहती है। मेरी चूड़िया नहीं बजती, देखो। हाई बाबा, आप दोनों को पहचानने के लिए मुझे कोई आवाज की जरूरत नहीं है, आपके होने का एहसास ही काफी है मेरे लिए। अरे वाह, मला वाटलच होतं, मेरे घर आने तक तूने लूम पूजा की पूरी तैयारी कर ली होगी। आता मी काय करू? काही नाही, आप बस जाके तैयार हो जाओ। मैंने आपके लिए बाबा ने बुनी हुई आपकी फेवरेट नवारी साड़ी निकाल के रखी है। बाबा, आज आपके लिए भी बहुत खास दिन है। आज से 35 साल पहले आप लोग कोल्हापुर से हैदराबाद आए थे और आज आपका नाम अपने आप में विश्वास की एक मोहर बन चुका है। आपके लिए भी खास कपड़े निकाल के रखे हैं मैंने, जिनमें आप खरा और सच्चा मराठा लगेंगे, ताकि लोगों को दूर से ही नजर आ जाए कि हैदराबाद का सबसे अच्छा बुनकर विजय देशमुख आ रहा है। बुनकर हूं नहीं बेटा, बुनकर था, हार्ट अटैक क्या आ गया। 2 साल हुए हैं, मैंने इस धागे को छुआ भी नहीं है। अब तो लगता है ये सब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। बाबा, बाबा, जैसे एक शिक्षक हमेशा शिक्षक रहता है, वैसे ही एक बुनकर हमेशा बुनकर रहता है। आज हमारे समाज का सबसे अहम दिन है, हमारी लूम पूजा। आपकी कला का यहाँ लोगों ने बहुत सम्मान किया है बाबा, इसलिए जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, वरना मुझसे डांट खाओगे। अरे बाप रे, ओके ओके माजी आजी। तो तैयार में, लेकिन इस मराठी सेना के बाकी सारे सेनानी कहाँ हैं? काका, आपकी सेना का एक सैनिक यहाँ है काका। गुड मॉर्निंग काकू। गुड मॉर्निंग। अरे भाई, बाकी सब कहाँ हैं? वही जहाँ उन्हें होना चाहिए। मेरी आई और मेरी छोटी बहन अपनी ब्यूटी स्लीप कंप्लीट कर रहे हैं, और बाबा बाबा आप किचन में। अब बिना लेमन हनी टी के मेरी आई की गुड मॉर्निंग कहाँ होती है? अरे देवा, काका ने मुझे बुलाया क्यों नहीं? उन्हें किचन में शहद तो मिलेगा ही नहीं। शहद, शहद कहाँ है? शहद, शहद, शहद मिल गया। तो बिना शहद के हनी लेमन टी बना दिया आपने, ये पाप करते हुए आपको डर नहीं लगा? है डर? वीरों को कभी डर नहीं लगता पल्लवी बेटा, वो तो अपने सिर पर कफन बांध कर चलते हैं। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात जरूर होगी। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। रुकिए, शहद मैं कल ही ले आई थी, अब आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। थैंक यू पल्लवी बेटा, आज आज तूने एक वीर को शहीद होने से बचा लिया। काका, आप सुलोचना काकू से इतना डरते क्यों है? पगली, मैं कोई डरता वरता नहीं उसे, वो क्या है ना, वो मुझे अपना पति परमेश्वर मानती है। मिलिन, चाय किचन से आ रही है या दार्जिलिंग से? आया आया बेबी आया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।